ये शहर, इसका शहर, उसका शहर, आपका शहर, मेरा शहर, हम सबका शहर। यहाँ कोई भूखा नहीं सोता, 5 रुपए में भी कुछ ना कुछ खाने को मिल ही जाता है। पता नहीं कितने दिल मिले हैं ये शहर, पता नहीं कितने खानदान बसे हैं। यहाँ पर हर किसी को नौकरी है। एक मामूली से रस्ते के भिखारी को चूहे मारने से लेकर बड़े से बड़े कंपनी के सीईओ को मल्टीनेशनल कंपनी संभालने की नौकरी है। वो आदमी जो महीने के 15,000 रुपए कमाता है, वो भी कौड़ी कौड़ी बचाकर अपने खानदान वालों को गांव में पैसे भेजकर खुश होता है। ये शहर हमारा घर है, हमारा घर। तो क्यों करते हैं लोग इसे गंदा, क्यों फैलाते हैं गंदगी हर जगह, क्यों नहीं साफ रख पाते अपने खुद के इस घर को। आइए देखते हैं किसका। हमारे शहर में बहुत गंदगी हो गई है, जिसके कारण कई बीमारियां फैल रही हैं। जहां मैं रहता हूं ना, वहां के लोग तो पूछो ही मत, बहुत गंद मचा कर रखते हैं और टॉयलेट और घर भी साफ नहीं रखते। साहिल के परिवार के सदस्य अनपढ़ हैं और स्वच्छता के बारे में जागरूक नहीं। उसकी माँ शौच के बाद उचित सफाई का ध्यान नहीं रखती, यहाँ तक कि घर में खाना और पीने का पानी भी बिना ढके पड़ा रहता है। इस अस्वच्छता के चलते घर में कोई न कोई अस्वस्थ रहता है, जैसे कि आजकल साहिल के पिताजी डायरिया ग्रस्त हैं। मैम मेरे पापा बीमार हैं। क्या हुआ साहिल? मैम उन्हें डायरिया हो गया। ओहो, डायरिया हो गया। डायरिया के बारे में बात करेंगे, इस गंदगी की वजह से कैसे बीमारियां फैलती हैं। पानी जो रखा है आपका ढका होना चाहिए, टॉयलेट आपके साफ सुथरे होने चाहिए, तब आपको ऐसी बीमारियां नहीं होंगी। मैम की बातों से प्रेरित हो उसने घर में सभी को स्वच्छता का महत्व समझाया और स्वयं भी सफाई की। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्या सभी बच्चे प्रेयर में गए थे आज? एक्सेप्ट साहिल सब आए थे। आपको मालूम है ना प्रेयर में जाना कितना जरूरी है, फिर क्यों नहीं गए आप? सर जी, जब मैं क्लास में आया तो मैंने देखा कि क्लास में बहुत सारे कागज के टुकड़े फैले हुए थे। आपने बताया था कि स्वच्छता ईश्वर का स्वरूप है, इसलिए मैं क्लास को साफ करने लग गया। अच्छी बात है बच्चों, अगर साहिल की तरह हम सभी ये सोच ले कि हम गंदगी नहीं फैलाएंगे, तो इससे केवल हमारा स्कूल ही नहीं बल्कि पूरा हमारा देश साफ हो सकता है। अध्यापक ने स्कूल में स्वच्छता सहायक बनाए, जो कि सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने आसपास के लोगों को भी स्वच्छता के लिए जागरूक किया। आइए गांधी जी के बताए हुए कदमों पर चलें और एक स्वच्छ और सुंदर भारत की रचना करें।